सलमान खान खुलकर बातें करने के लिए मशहूर हैं। वो बिना आगा पीछा देखे बातों बातों में चीजें कह जाते हैं। अब ऐसी ही एक बात उन्होंने संजय लीला भंसाली के लिए कही है। उन्होंने भंसाली को सूरज बड़जात्या के साथ कुछ समय बिताने की सलाह दी थी ताकि उनमें काम के दौरान धीरज धरने का गुण डेवलप हो सके। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी है, इसमें सलमान खान और सूरज बड़जात्या की बातचीत का हवाला दिया गया है। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान बड़जात्या अपनी और सलमान की अच्छी ट्यूनिंग की बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे दोनों एक दूसरे की खूबियां और खामियों को समझते हैं। इतने में सलमान ने बात काटते हुए बड़जात्या की सबसे अच्छी क्वालिटी बतानी शुरू कर दी। उनका कहना था कि बड़जात्या बहुत शांत है, उन्हें गुस्सा नहीं आता। सलमान इनका उदाहरण दूसरे डायरेक्टर्स को भी देते हैं कि कैसे सेट पर माहौल खुशनुमा रखना है। उन्होंने कहा, बड़जात्या अपने एक्टर्स के लिए बढ़िया माहौल बनाकर रखते हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। भले ही काम शिफ्ट से आगे खिंच रहा हो, रोशनी जा रही हो, इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपने एक्टर्स पर फोकस करते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बड़जात्या का पेशेंस लेवल गौतम बुद्ध जैसा है। ये कभी एक्टर्स पर चिल्लाते नहीं। सलमान ने बताया, इन्हें ये पता है कि अगर मूड खराब होगा तो बढ़िया काम नहीं निकलेगा। एक्टर बढ़िया मूड में होगा तो अपना बेस्ट दे पाएगा। सलमान ने संजय लीला भंसाली को भी याद किया। उन्होंने बताया कि संजय अपना आपा तुरंत खो देते हैं। उन्होंने इसके लिए घटना का उदाहरण दिया। वो चिल्ला रहे थे और वो अक्सर ऐसा करते हैं। मैंने उनसे कहा कि जाकर कुछ समय सूरज के साथ बिताओ। वो चीजें फेंकने लग गए थे। मैंने उन्हें समझाया कि पहला काम तो ये करो कि थोड़ा पेशेंस रखो, शांत रहो ताकि तुम्हारे एक्टर सुंदर दिख सके। ताजमहल प्रेम से बना है, मोहब्बत करते हो तब बनता है, नफरत से नहीं। सलमान ने भंसाली के साथ खामोशी, हम दिल दे चुके सनम और सावरिया में काम किया है। 2019 में भी दोनों साथ काम करने वाले थे। फिल्म का नाम था इंशाअल्लाह। सलमान के साथ आलिया भट्ट को कास्ट किया गया था। मॉडर्न टाइप की फिल्म बताई जा रही थी जिसकी शूटिंग बस शुरू होने वाली थी, मगर ऐन वक्त पर वो फिल्म रुक गई। कहा गया कि सलमान और भंसाली के बीच कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए थे, इसीलिए वो फिल्म नहीं बन पाई। पर कुछ वक्त पहले इंशाअल्लाह पर फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर रहे रुपीन सूचक ने बात की थी। रुपीन ने बताया था कि सलमान और भंसाली के बीच कुछ बहस हो गई, उसके बाद सलमान सेट छोड़कर चले गए, फिल्म बंद हो गई। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अनुभव ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।